आज के टाइम में क्या है, एक स्पेशल टाइप की पोस्टल सर्विस चली हुई है, और वो पोस्टल सर्विस क्या है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट। और ये कहाँ पे होती है, ये होती है पोस्ट ऑफिसेज में। कहाँ पे होती है ये, पोस्ट ऑफिस। जब भी आपने कोई लेटर पोस्ट करना है, तो आपने अगर उसके ऊपर स्पीड पोस्ट लिखा हुआ है, तो वो लेटर आपका बड़ा फास्ट जो है वो पोस्ट होता है, ठीक है, तो वो आ जाती है आपके पास स्पीड स्पीड पोस्ट। उसके बाद एक और सर्विस है, उसको हम बोलते हैं कुरियर सर्विस। क्या बोलते हैं, कुरियर सर्विस, ठीक है। तो ये कुरियर सर्विस को वो लोग यूज़ करते हैं जिन्होंने पार्सल्स वगैरह भेजने होते हैं ना। पार्सल होता है ना, जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपका पार्सल आता है ना, दैट इज़ कॉल्ड द पार्सल। तो जो कुरियर सर्विस है, ये कौन लोग यूज़ करते हैं, जो पार्सल, जिन्होंने पार्सल वगैरह भेजने होते हैं, ठीक है, तो वो लोग किसका यूज़ करते हैं, कुरियर सर्विस का, ठीक है। और जो स्पीड पोस्ट होती है, वो कहाँ पे होती है, पोस्ट ऑफिसेज में होती है। इससे जो है आपका लेटर या कुछ भी मेल जो है, ये बड़ी फास्टेस्ट जो है वो पोस्ट होता है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स की बात जो हमने की, कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ क्या है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ का एक डिपार्टमेंट होता है, जो क्या करता है, हमारे जितने भी मेल्स हैं, मनी ऑर्डर्स हैं, पार्सल्स हैं, उनको दुनिया सॉरी इंडिया के हर कोने तक पहुंचाता है, ठीक है ना, और इंडिया के बाहर भी उसको पहुंचाता है, जिसको हमने देना होता है वहां तक वो उसे पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टेलीफोन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास टेलीफोन। तो टेलीफोन भी, अच्छा एक चीज़ और, ये जो हमने पोस्टल सर्विसेज पोस्ट एंड उसके बारे में पढ़ा, तो कहते हैं ये जो पोस्टल सर्विसेज थी ना, ये इंडिया में कब आई थी और इनको लेके कौन आया था। पोस्टल सर्विसेज जो थी, ये हमारी इंडिया में आई थी 1837 में, और इनको लाया, इंट्रोड्यूस किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने। किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने, और 1837 में। और जो सबसे पहली पोस्टेज स्टैम्प थी, क्योंकि हमारे जो लेटर्स होते हैं उन पे एक स्टैम्प लगती है, ठीक है, तो जो फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प थी वो कब इशू हुई थी, वो इशू हुई थी हमारी 1852 में। कब इशू हुई थी, 1852 में, ठीक है। और आज के टाइम में हमारी इंडिया में कितने पोस्ट ऑफिसेज हैं, 1,53,454 पोस्ट ऑफिसेज। ठीक है, ये आपका जनरल नॉलेज के लिए आ गया कि जो पोस्टल सर्विसेज थी वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी, ब्रिटिशर्स ने। इंडिया में कौन लेके आया था इनको, पोस्टल सर्विसेज को, ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ठीक है, और कब लाए थे वो, 1837 में। और जो फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प है वो कब इशू हुई थी, वो इशू हुई थी 1852 में। और आज के टाइम में हमारे पास 1,53,454 पोस्ट ऑफिसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। नो कम टू आवर टॉपिक, कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे, टेलीफोन के बारे में, ठीक है। कहता है टेलीफोन जो है एक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन क्या है, सबसे तेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ह्यूमन वॉइस को कैरी करता है, ठीक है, जो हम बोलते हैं उसको ये कैरी करता है, ठीक है, और दूर, बहुत दूर का डिस्टेंस कवर करता है, और डिस्टेंस, बहुत दूर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है दूसरे इंसान तक हमारी वॉइस
पहुंचाता है, फिर चाहे वो वॉइस आपकी इनसाइड द कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री हो, है ना। करते हो ना आप फोन पे बात करते हो, आप अपनी कंट्री में भी जो है फोन पे बात, और अगर कोई फॉरेन में रहता है आपका रिलेटिव फ्रेंड कोई भी, तो उससे भी आप फोन के थ्रू ही बात करते हो, है ना। तो ये कितना फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा वॉइस मैसेज जो होता है, जो हमारे ह्यूमन वॉइस होती है, उसको ये कैरी करता है और कंट्री में और या कंट्री के बाहर उसको पहुंचाता है, जिसके साथ आपने बात करनी है उस तक उस वॉइस को पहुंचाता है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी इंसान से दो तरीकों से बात कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, जो हम डायरेक्टली करते हैं वो आ जाती है हमारे पास सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं एसटीडी, ठीक है ना। एसटीडी के थ्रू हम बात करते हैं। और दूसरी हमारे पास आ जाती है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, जिसको हम बोलते हैं आईएसडी, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल सब्सक्राइबिंग सब्सक्राइबर डायलिंग होती है, ये किसके लिए यूज़ होती है, जब आपने क्या करना होता है कंट्री से बाहर किसी से बात करनी होती है, तो उसके लिए आपको आईएसडी पे बात करनी पड़ती है। आईएसडी मतलब इंटरनेशनल, है ना। उसके लिए जो है चार्जेस अलग से लगते हैं। तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होती है, एसटीडी मतलब अगर आपको इसी कंट्री में जो है किसी से बात करनी है तो तब आप एसटीडी कॉलिंग करते हैं, आता है ना एसटीडी आईएसडी, है ना। तो आईएसडी किसके लिए यूज़ की जाती है, इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए, और एसटीडी किसके लिए यूज़ की जाती है, जो आपने नेशनल कॉलिंग करनी है, कंट्री में ही किसी से बात करनी है, ठीक है। तो कहते हैं जो टेलीफोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वायर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, किसके साथ कनेक्ट होते हैं, वो वायर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, केबल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केबल्स बोला जाता है। आपने पहले के टेलीफोन देखे होंगे, है ना, उनको कितनी लंबी वायर होती थी, ठीक है। और उस फोन के साथ, फोन के जो रिसीवर होता था उसके साथ भी एक वायर अलग से कनेक्ट होती थी, है ना। तो ऐसे भी जो थी, ऐसे भी उसका जो नेटवर्क बनाया जाता था वो भी क्या सारा वायर के साथ ही कनेक्ट होता था, है ना। आजकल तो टावर बना दिए जाते हैं जो रेंज पकड़ते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती हैं वो जो रेंजेस होती हैं, लेकिन पहले क्या होता था, वायर्स बिछाई जाती थी, ठीक है ना। टेलीफोन की जो हम बोलते थे ये टेलीफोन की तार है, तो वो अलग से बिछाई जाती थी, तो उससे हम क्या करते थे, वो क्या करती थी, हमारे जो वॉइस थी वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती थी, है ना। तो उन वायर्स को क्या बोला जाता था, केबल बोला जाता था। क्या बोला जाता था, केबल बोला जाता था, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, आज के अगर हम आज के टाइम की बात करें, मॉडर्न टाइम की बात करें, तो आज हमारे पास क्या है, पहले जो फ़ोन होते थे वो वायर से कनेक्ट होते थे, लेकिन आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। कौन से फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, है ना। तो ये मोबाइल फ़ोन्स क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है सबसे पॉपुलर हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमें कभी भी, जब हमें क्या है, जब भी किसी से बात करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, फटाफट जो है कॉल कर सकते हैं। पहले क्या होता था, बात तो हम पहले भी करते थे, उन टेलीफोन्स पे भी हम बात करते थे, लेकिन उस टाइम क्या था, आपको जब बात करनी होती थी आपको उसी जगह पे बैठ के बात करनी पड़ती थी। आज अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपका घूमते घूमते मन किया कि हाँ मैंने उससे बात करनी है, तो आप क्या कर लेते हो, जल्दी से डायल कर लेते हो, है ना आप। और आज के टाइम में क्या, आज के टाइम का क्या है, जो मोबाइल फ़ोन है उनको आप अपनी पॉकेट में, पहले वो फ़ोन आप कहीं लेके नहीं जा सकते थे, लेकिन आजकल आप क्या, आपको जहाँ जाना है आप अपना फ़ोन अपने साथ लेके चलते हो, है ना। तो जो मोबाइल फ़ोन हैं ये क्या हो गए, ये बहुत ज़्यादा इजीली एसेसिबल हो गए, मतलब हम इनको आसानी से कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो क्या है इस, और इनमें बहुत सारे जो है नए नए फीचर्स जो हैं वो ऐड हो गए, जैसे एक फीचर्स आ गया शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस,
जिसको हम क्या बोलते हैं, SMS, है ना। पहले जो हमारे वायर वाले फ़ोन थे, क्या उनमें ये सर्विस थी? नहीं थी। उसमें आपको क्या करना पड़ता था, नंबर डायल करना पड़ता था और बात करनी पड़ती थी, ठीक है। तो अगर कोई बिज़ी है तो वो आपका रिप्लाई नहीं दे सकता। लेकिन आजकल क्या है, आजकल अगर कोई आपसे बात नहीं कर सकता है, कोई बिज़ी है, तो आप क्या करते हो, फटाफट से एक छोटा सा मैसेज लिख के छोड़ देते हो। जब वो फ्री होगा तो वो मैसेज देख लेता है ना। यही है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा फीचर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसमें एक और, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, जिसको बोलते हैं हम MMS, है ना। अब जैसे सपोज करो आप किसी जगह पे घूमने जा रहे हो, पहले जो फोन थे, पहले तो आप बात नहीं कर सकते थे, घर आके ही बता सकते थे कि हाँ हम उस जगह पे घूमने गए, हमने यहाँ पे वो, वहाँ पे वो देखा, वो देखा, ऐसी जगह थी, वैसी जगह थी, मतलब सुना सकते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में आपके पास मोबाइल फोन्स हैं। आप क्या करते हो, अपने मोबाइल फोन अपने साथ लेके जाते हो, वहाँ जाके आप क्या करते हो, वहाँ की पिक्चर्स क्लिक कर लेते हो, और पिक्चर्स क्लिक करने के बाद वापस आके वो पिक्चर्स आपने जिसको दिखानी है आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो, है ना। तो जो चीज़ आपने देखी वही सेम टू सेम चीज़ जो है वो दूसरा इंसान भी देख सकता है। तो ये भी क्या है, उसका एक बहुत बड़ा फीचर है मोबाइल फ़ोन का, कि MMS सर्विस है, कि जो भी वीडियो बना के आप सेंड कर सकते हो, पिक्चर्स क्लिक करके आप सेंड कर सकते हो, है ना, लाइव वीडियो चैट, वीडियो कॉल कर सकते हो, मतलब जो चीज़ आप देख रहे हो वही दूसरा इंसान अपने घर में बैठ के भी उसको लाइव देख सकता है, ठीक है ना। तो और क्या कर सकते हैं आप, वही मैसेज राइट कर सकते हैं, फोटोज़ वगैरह क्लिक करके जो है सेंड कर सकते हैं। तो ये क्या है, मोबाइल फ़ोन के एडवांटेजेस हैं, है ना। पहले के जो टेलीफोन्स होते थे उनमें ये सारा कुछ फीचर्स नहीं होते थे, उनमें क्या करना पड़ता था, उसमें वो वायर के साथ कनेक्ट होते थे और आपको उसी जगह पे बैठ के आपको वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितनी आपको बात करनी है उतनी करनी पड़ती, और आप क्या कर सकते, उस टाइम ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते थे क्योंकि बिल जो था बहुत बड़ा आ जाता था। आजकल आपके पास पैक चले हुए हैं, इतने का पैक कराओ, अनलिमिटेड कॉलिंग है, जितनी देर मर्जी बात करो, है ना, और जब चाहे बात करो, ठीक है। पहले क्या होती थी, टाइम बाउंडेशन होती थी कि आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बात कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हो आप तब भी बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, डेवलपमेंट्स होती हैं जो टाइम टू टाइम होती रहती हैं। पहले लेटर्स हुआ करते हैं, पहले क्या पिजन से कम्युनिकेशन होती थी, फिर हॉर्स राइडर्स आए, फिर उसके बाद लेटर्स आए, उसके बाद टेलीग्राफ्स आए, देन उसके बाद पोस्ट आई, ठीक है, उसके बाद टेलीफोन्स आए, टेलीफोन के बाद अब मोबाइल फोन्स आए। तो दीज आर ऑल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा टेलीफोन के बारे में। ओके, थैंक यू।